फाइंडिंग बल्क मॉडुलस ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक। तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला देखो, बल्क मॉडुलस बीच में कैसे आ गया, कोई कहता है जी लास्ट स्पीड थोड़ी ना चल रही है, ये कैसे आ गया? आप गैस को क्या कर रहे हो, कंप्रेस, पानी को क्या करते थे, कंप्रेस। जब कंप्रेसिबिलिटी आती है वहां बल्क मॉडुलस आ जाते हैं, तो गैस की भी कंप्रेसिबिलिटी है, लिक्विड की भी कंप्रेसिबिलिटी है, बल्क मॉडुलस आएगा। तो बल्क मॉडुलस होता क्या है, माइनस डीपी बाई डीवी बाई वी। यहां से वी और डीवी एक तरफ, ये देखो रीअरेंज किया ये रहा, तो क्या आ गया, बल्क मॉडुलस आ गया। डीपी और डीवी एक तरफ, ये टर्म आ गई, ठीक है यहां तक, तो बल्क मॉडुलस आ गया। अब मैंने आपको एक रिजल्ट करवाया, आइसोथर्मल की जो डीपी बाई डीवी स्लोप क्या होती है, माइनस पी बाई वी, इसको उठा के यहां पुट कर दें, माइनस माइनस वी वी कैंसिल, तो पी, तो लिखो फॉर्मूला, बल्क मॉडुलस फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज ऑलवेज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस प्रेशर। ये प्रेशर होगा उसका, जो भी गैस का प्रेशर है उसका बल्क मॉडुलस है, तो आइसोथर्मल का बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू प्रेशर पी, ठीक है। तो आइसोथर्मल का बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू प्रेशर पी, फिर से एक बार, एडियाबेटिक के केस में फिर से बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन लिखी, एडियाबेटिक में स्लोप क्या आई थी, गामा इंटू माइनस गामा पी बाई वी अभी लिखवाई थी मैंने, तो डीपी बाई डीवी स्लोप की जगह माइनस गामा पी बाई वी पुट करेंगे, माइनस से माइनस, वी से वी कैंसल, आंसर गामा इंटू पी। तो रिजल्ट लिखें कि एडियाबेटिक में बल्क मॉडुलस क्या होता है, गामा इंटू पी।